चलिए फ्रेंड्स, नमस्ते। फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस आरआर मूवीज लाइव नांदेड़ के चैनल के ऊपर, पोर्टल के ऊपर। दोस्तों, एक अच्छा सा प्रोडक्ट मार्केट में, सोनी अल्फा 7 III। यानी कि सिनेमाटोग्राफी के लिए बेहतरीन वीडियो फॉर्मेट। आज उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ वीडियो के लिए क्या फीचर्स अच्छे हैं इसके। अगर आप इस कैमरा से सिनेमैटिक शूट करना चाहते हो तो क्या थोड़ा सा स्टडी इसके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, खोलेंगे कैमरा को। मिररलेस एक अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट में। काफी कुछ लेंस आप चेंज कर सकते हो, साथ में 24-105, 50mm, 1.8। एक अच्छी बॉडी, काफी पुराने जमाने की याद आ रही। कुछ साल पहले 1986-88 में पेंटेक्स जैसे कैमरे थे, स्टील बॉडी के, मेटल बॉडी के। वाओ, क्या सेंट है। फ्रेंड्स, जब भी आप नया कैमरा लेते हो तो ये बात जरूर ध्यान में लीजिए कि अगर बॉक्स पैक कैमरे से निकले हुई कोई भी चीज का एक स्मेल अलग आता है। अगर स्मेल आया, समझिए ये बॉक्स पैक फ्रेश कैमरा है। अगर स्मेल यानी कि सेंट नहीं आया, समझ लीजिए कि ये कैमरा बफ कर चुका है, पहले यूज कर चुके हो। इसका एक फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, क्योंकि जब ये कैमरा बॉक्स से निकलता है और 4 या 5 घंटे अगर क्लाइमेट में अगर उसका यूज होता है तो फ्रेंड्स, इसका स्मेल, इसका सेंट निकल जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, कैमरा, फ्लैश, लेंस, कोई भी अगर प्रोडक्ट आप जब भी फर्स्ट टाइम खरीदते हो तो यह बात जरूर ध्यान में लीजिएगा। ये आर्यम सूर्य का फार्मूला समझ लीजिएगा। इसका एक अलग सा स्मेल आता है बॉडी का। अगर ये कैमरा मैंने लेंस लगा के अगर 5 घंटे या 6 घंटे मैंने कहीं अदर साइड इसके ऊपर वर्क किया, क्लाइमेट से ये कैमरा जुड़ जाने से इसका स्मेल, कंपनी का स्मेल निकल जाता है। ये पहली बात ध्यान दीजिए। वेटेड बॉडी, और सबसे पहले मैं वीडियोग्राफी की तरफ से इसका जो मोड है, मेन मोड जो इसका है, पूरे टच ऑप्शन नंबर 1, पूरे ऑप्शन टच ऑप्शन। इसीलिए आपको फोकस पॉइंट, बाकी सब बातें के लिए, सेटिंग के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। इसके ऊपर स्टार्ट लेते हैं। सेकंड ऑप्शन मूवी मोड। जब भी आप वीडियो करना चाहते हो, मूवी मोड के ऊपर जाइए। वेटेड कैबिनेट, बॉडी वेटेड है इसकी। और हाल ही में जब मिररलेस कैमरा आप यूज करते हो तो मेरा और एक सजेशन है, सजेशन नंबर 3, कार्ड 128 GB और 150 Mbps मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि आप 4K शूट कर सकते हो उसके ऊपर। XAVCS 4K, XAVCS HD, AVCS HD, ये तीनों फॉर्मेट इसके अंदर है। अगर आप 4K में शूट करना चाहते हो तो टाइम ड्यूरेशन ध्यान में दीजिए कि 1 घंटे में कितना GB आपको पे होता है, डाटा रिकॉर्ड बैठता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर भी। और जब 1.5 लाख रुपए जैसी कीमत आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिजल्ट काफी बेटर रिजल्ट।
तीन फॉर्मेट हो गए। सेकंडली, सेट करते समय थोड़ा सा एक्सपोजर मैनुअल पे रखिए, आपको आईएसओ सेट करना है, बाकी जो भी फास्ट सेटिंग हो सके, क्योंकि आपको वहां टाइम नहीं मिलता है शूट करते समय, इंस्टेंट सेटिंग करना पड़ता है। मैनुअल एक्सपोजर रखिए, एक्सपोजर मोड पे जाइए, उसके साथ काफी अच्छा सा रिस्पांस इस कैमरे में है। आप इस माउंट लगा के बाकी एक्स्ट्रा लेंसेस, पांचवा पॉइंट आता है, बाकी एक्स्ट्रा लेंसेज भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि अपने पास अदर लेंसेज है, निकॉन के है, टैमरॉन के है, बाकी लेंसेज भी माउंट लगाकर इसके ऊपर इस्तेमाल। ये सोनी का अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि माउंट से अंदर मिररलेस का डिस्टेंस काफी नजदीक होने से, फुल फ्रेम होने से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। कार्ड और थोड़ा सा सेटिंग के बारे में एक दो बातें आपको बोलना चाहता हूं। सिनेमैटिक आप शूट करते हो तो इसको 24P 100 मेगापिक्सल पे रखिए, साथ ही साथ जहां आप आउटडोर में शूट कर रहे हो या इंडोर में शूट कर रहे हो, इसके साथ आप एक्स्ट्रा साउंड रिकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा माइक भी लगा सकते हो इसके साथ, काफी उसका रिजल्ट अच्छा है। जब एक्स्ट्रा माइक यूज करते हो तो एक ध्यान दीजिए उसका साउंड लेवल कितना है, थोड़ा सा साउंड लेवल बढ़ा लीजिए, बेटर आउटपुट, बेटर इनपुट उसका आ सकता है आपके साथ में, क्योंकि इसके ऊपर हर समय आइडियल लेवल डिस्प्ले ऑन रहता है, इसका बेनिफिट मिल सकता है आपको। कन्वर्टर अदर एक्स्ट्रा लेंसेज बैठ सकते हैं, मूव विथ शटर है इसके साथ, और इसका और एक बेनिफिट है कि वीडियो के साथ साथ आप फोटो एक्सपोज कर सकते हो, ये भी अच्छा बेनिफिट है कैमरे का। और हाल ही में काफी लोग जो आई सेंसर है या आप इसके साथ फेस डिटेक्शन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है, 8 लोगों को यानी कि 8 इमेजेस, 8 सामने वो मूव होने वाले इमेजेस आप उसका स्पेस डिटेक्ट करके रख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कहीं पे अगर मूवमेंट उनकी चेंज हो गई, उनका फोकस पॉइंट शार्पली, ये कैमरा अपडेट टेक्नोलॉजी, तो काफी अच्छा सा कॉम्पैक्ट कैमरा, बॉडी हेवी है इसके लिए जर्क, और इस कैमरे को आप स्लाइडर के ऊपर, गिम्बल के ऊपर काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसका। दोस्तों 1.5 लाख रुपए कीमत यानी कि 4K के लिए सफिशियंट है, काफी अच्छा आउटपुट मिल सकता है। कैमरा थोड़ा सा हैंडल कीजिए, 2-3 बातें ध्यान में दीजिए, एक्सपोजर, आईएसओ, फेस डिटेक्शन और आई सेंसर, ये 2-3 बातें अगर आपने अगर ध्यान मिली, अगर उसकी प्रैक्टिस आपने थोड़ा सा वर्कआउट किया तो इसका बेटर आउटपुट मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस कैमरे के साथ आए वाले प्रोडक्ट या कैमरे के साथ जो भी मैनुअल है, बाकी एसेसरीज भी देख लीजिए, 230 वोल्ट कॉर्ड, इसके साथ एडाप्टर है, आप कई लाइव फंक्शन है तो इसका एडाप्टर आप यूज कर सकते हो, ताकि आपको कैमरा कंटिन्यूस आपके वर्क में आ जाए। बेल्ट कंपनी के साथ एक कार्ड इसके साथ में आया है कंपनी की तरफ से। थोड़ा सा सेटिंग करते समय जो भी टूल्स, जो भी कीज आपको इंस्टेंट लगते हैं, उसका वो कीज, वो टूल आप मैन्युअली सेट करके भी रख सकते हो, यानी इसका कीबोर्ड यानी कि फंक्शन का कीबोर्ड आप खुद सेट कर सकते हो, तो इसका ये फीचर अच्छा है वीडियो के लिए, इट इज द बेस्ट। तो देखिए कैमरे का रिजल्ट, और थोड़ा सा फाइनेंशियली आप मिररलेस के ऊपर आ सकते हो, तो मेरे एक नजरिए से वीडियो के लिए इट इज द बेस्ट कैमरा। रुकते हैं यहीं पर।
बाय।